देखो राहुल गांधी नहीं बनते अगर मान लीजिए तो इसमें देश में कांग्रेस जनों निराशा आएगी कि लोग घर बैठ जाएंगे और तकलीफ होगी हम लोगों को उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए मैंने पहले भी, भी कहा एक बार एक इंटरव्यू के अंदर दो सौ तो पचास लोग बैठे थे एआईएससी आई सी सी के अंदर छह ग्रुप बने थे वन बाय वन सबसे बातचीत हुई जो हमारे तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके अंदर सी एल पी लीडर्स थे देश के केंद्रीय मंत्री रहे थे वो थे प्रदेश ए आई सी सी के महामंत्री रहे थे वो थे उन सबसे वन टू वन बातचीत हुई सबने कहा कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष तो आप सोच सकते हो कि ये स्थिति है तो जब एक तरफा राय उनके बारे में है तो उनको फिर मैं समझता हूं कि स्वीकार करना चाहिए ये गांधी और नॉन गांधी की बात नहीं है ये तो संगठन का काम है कोई प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इस परिवार का बत्तीस साल से ना प्राइम मिनिस्टर बना कोई ना केंद्रीय मंत्री बना और ना कोई मुख्यमंत्री बना इस परिवार का ही तो फिर मोदी जी इस परिवार से डरते क्यों हैं केजरीवाल को कहना पड़ता है पिछले तो साल में कुछ नहीं हुआ देश के अंदर तो सब लोग कांग्रेस पे क्यों अटैक करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का डीएनए और देश का डीएनए एक है आजादी के पहले भी